यूपी में विधान परिषद के 2 एमएलसी सीटों पर वोटिंग जारी है। 1 बजे तक 387 वोट पड़ चुके थे। सीएम योगी ने मतदान किया। वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी। शाम 5 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसी बीच सियासी बयानबाजी सामने आई है। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, आप नौकरी नहीं दे रहे, अवसर छीन रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे, आखिरकार यह समाज जाए कहां? अब तो सरकार के 9 साल पूरे हो गए, अब 10 नंबरी हो गई सरकार, सरकार की क्या उपलब्धि है? सपा सुप्रीमो अखिलेश मतदान करने विधानसभा पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत की। ऐसे चुनाव में भाजपा के लगातार जीतने से जुड़े सवाल पर कहा, परंपरा यह है कि पिछड़ों को जिताया जाए, पिछड़ों को जोड़ा जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो। भाजपा संविधान में मिले अधिकारों को छीन रही है, पिछड़े और दलितों का हक छीना जा रहा है, रोजगार नहीं दे रहे हैं। बड़े सवालों से भागना चाहती है भाजपा। आप जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते, सामाजिक न्याय से भाग रही है भाजपा। आउटसोर्सिंग और प्राइवेट सेक्टर का क्या जवाब है? इनका जवाब भाजपा को देना ही होगा। अखिलेश ने कहा, यूनिवर्सिटी में देखिए भर्ती किसकी हो रही है, मनचाही अपने लोगों की भर्ती की जा रही है। सबसे ज्यादा आप डंका इस बात का पीटते हैं कि हम पिछड़े और दलितों के लिए काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हो? आप उनका हक छीन रहे हो। संविधान में जो व्यवस्था है उससे आप दूर रखना चाहते हो। सपा महासचिव शिवपाल यादव भी मतदान के लिए पहुंचे। शिवपाल ने कहा, दलित पिछड़े समाज के साथ अन्याय हो रहा है, उस वर्ग को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए। भाजपा दलितों और पिछड़ों को पीछे कर रही है, सपा पिछड़े और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ वोट डालने सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी पहुंचे। राजभर के साथ उनकी पार्टी के एमएलए भी थे। इस पर अखिलेश यादव ने कहा, जहां सरकार वहां वो है, अपने ही राम जनत राजभर को हरा रहे हैं। सुना है कि वो गाड़ी में बैठ कर आए हैं। चलो ठीक है, एक दिन उन्हें डिप्टी सीएम के साथ बैठकर एसी की हवा मिल गई। अब एक साल उम्मीद करो कि वह सरकार के लिए काम करेंगे। वहीं शिवपाल ने कहा, जिन्होंने प्रदेश को धोखा दिया उन्हें हम सबक सिखाएंगे। चुनाव पास आ रहा है, सभी को पता लग जाएगा।